Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Susri Giri and this is my first video on YouTube. Today I'm gonna show you something about Nykaa Pink Friday sale जो कि कुछ दिन पहले ही गया था. उससे मैंने कुछ products लिए हैं जो कि 6th December को आया है and मैं उसकी review देने वाली हूँ आप सब लोगों को. So let's get started. ये देखिए पहले box, ये है मेरी, ये मैंने खरीदा है नायका से. सो मैं रिव्यू देने वाली हूँ आप आपको. चलो स्टार्ट करें. मैंने ये बॉक्स खोल लिया है. ये देखिए ये है सारे प्रोडक्ट्स. चलो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ. ये है लोटस हर्बल्स का वाइट ग्लो इंस्टा प्यूरिफाइंग सीरम मास्क. आई लाइक इट सो मच. ये मैंने पहले भी यूज़ कर लिया है. ये बहुत ही अच्छा है. इंस्टा ग्लो देता है. 10 मिनट्स यूज़ करते ही ग्लो आपको दिखने में मिलेगा. मैं अब भी इसे यूज़ करूँगी कल को बिकॉज मेरी स्किन में टैन हो गया है. मैं साउथ इंडिया घूमने गई थी. ये एंटी पॉल्यूशन एंटी पैराबिन फ्री है. ऑल स्किन टाइप्स के लिए जाता है. ये बहुत अच्छा है. इसका प्राइस है ओनली 85 रुपीज़ जो मैंने कुछ सेल में 72 रुपीज़ में ख़रीदा था. देखिए सेकेंड प्रोडक्ट में जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो है केटीन का नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे. ये देखिए ये बहुत ही अच्छा है गाइस. मेरे हेयर बहुत ही कर्ली है. मैं इसे हीट प्रोटेक्शन में स्ट्रेटनिंग करने के पहले इसे यूज़ करने के लिए ख़रीदा है. तो मैं इसे 2 टाइम्स ऑलरेडी यूज़ कर लिया है. ये बहुत ही अच्छा लगा मुझको. इसका स्मेल बहुत ही सुंदर है. ये नेचुरल है. इसमें राइस एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, फ्लेक्सिक एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है. बहुत अच्छा है. और इसका प्राइस है 400 रुपीज़. ये बहुत अच्छा स्टे करता है. ग्लॉसी स्मूथ सा फिनिश देता है और मेरे जो रफ हेयर है कर्ली की वजह से वो चला जाता है. बहुत अच्छा लगा ये. ये देखिए थर्ड प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है ये ब्लू हेवन का आर्टिस्टो लिक्विड सिंदूर जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आता है. ओनली 65. मैं इसे मेरी मॉम के लिए ख़रीदी हूँ. मॉम ने एक बार यूज़ किया है. देखिए ये समझ सकते हैं. तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है. ये मैंने देखा है वो मैट फिनिश देता है. ये रेड कलर का है. रिजनेबल प्राइस में अच्छा लिक्विड सिंदूर है. सो गाइस विंटर आ गया है इसलिए मैंने विंटर की सेफ्टी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ली है. फर्स्ट जो है वो है वैसलीन का कोको ग्लो इंटेंसिव केयर बॉडी लोशन जो कि 24 आवर्स का जो है मॉइस्चराइज करता है स्किन. और ये मुझको बहुत अच्छा लगता है. इसका स्मेल मुझको बहुत ही अच्छा लगता है. लगता है चॉकलेट जैसा खा जाओ ऐसे ही लगता है. और ये इसका प्राइस है 345 जिसको मैंने लिया था कुछ 200 के ऊपर का प्राइस जो कि बहुत मुझे सस्ता मिला था. और ये विंटर के लिए बहुत अच्छा है. मैं हर साल विंटर में यही यूज़ करती हूँ. उसके बाद मैंने विंटर के लिए लिया है वादी का ये फूड क्रीम जो आपका जो क्रैकल्स हो जाता है इसके लिए बहुत यूज़फुल है. इसके रिव्यूज़ मैंने नायका पे देखा है. बहुत अच्छा है इसलिए मैंने ख़रीदा है. ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया. पहली बार करूँगी. दिखाती हूँ खोल के. इसको मैंने अभी भी यूज़ नहीं किया. इसका पैकेज नहीं खोला मैंने. इस तरह का दिखता है. इसका प्राइस है ओनली 52 रुपीज़. जिस इसमें लिखा है कि इसमें सैंडलवुड है, क्लोव ऑयल है. ये देखिए और उसके बाद मैंने ख़रीदा है ये वादी नेचुरल्स का नेल एंड क्यूटिकल ऑयल.
इसको भी मैं पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ। विंटर की वजह से मेरे नेल्स कुछ ड्राई सा हो गया है, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है। ये देखिए इस तरह का दिखता है ये कुछ। इसका स्मेल जिंजर के टाइप का स्मेल है, नेचुरल प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है 70 रुपीज़ ओनली। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको एक और प्रोडक्ट जो कि है हिप हॉप का स्किन केयर क्लींजिंग चारकोल नोज स्ट्रिप्स। ये आपको जो नोज़ में होता है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वो ऑयल एंड डर्ट सब कुछ निकाल देता है गाइस। इसका प्राइस है 90 रुपीज़, 3 स्ट्रिप्स आता है। देखिए इस तरह का दिखता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप प्रोडक्ट्स। उस पहले जो मेकअप प्रोडक्ट दिखाऊंगी वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो की है स्विस ब्यूटी का विंकी कलर आई शेडो पैलेट, जिसमें आता है 36 कलर्स। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, देखते हैं। ये इसका पैकेजिंग ऐसा है, इससे मैं खोल रही हूँ। वाओ कितना क्यूट है ना। इसमें देखिए 36 कलर्स है, कितनी सुंदर सुंदर 36 कलर्स है इसमें। बहुत ही पिगमेंटेड है, इसमें डस्टी फिनिश नहीं है, फिनिश बहुत अच्छा आता है इसमें। कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कलर मैं ले रही हूँ हाथों में। ये देखिए थोड़ा सा लेते ही बहुत अच्छा कलर हो जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका प्राइस मैं अभी आपको बताऊंगी। इससे मैं क्लोज कर दिया इस क्यूट सी आई शेडो पैलेट को। इसका प्राइस है 699 रुपीज़। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की एक और प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाऊंगी, वो है स्विस ब्यूटी का प्योर मैट लिपस्टिक, जिसका प्राइस है ओनली 199 रुपीज़। इसमें एक अच्छा चीज़ है जो कि है ये पैराबिन फ्री है। इसको मैं अप्लाई कर लिया है, देखिए मेरे होठों पे। मैं इसको खोल रही हूँ। इसका क्वांटिटी है 3.8 ग्राम्स। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए ये बुलेट टाइप का दिखता है। इसका कलर ऐसा है, अच्छा लगा मुझे कलर। मुझे मेनली क्रीमी मैट टाइप का लिपस्टिक्स पसंद है। मैं मेबलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको एक स्वाचेस में आपका कलर हो जाता है लिप्स में, बट इसे 2-3 टाइम्स यूज़ करना पड़ता है। 2 टाइम्स यूज़ करने से कलर हो जाता है लिप्स में। मुझे ये अच्छा लगा, मेरा स्किन एलर्जेटिक है फिर भी ये मुझे बहुत अच्छी तरह से सूट कर लिया है। मुझे लैक्मे और मेबलिन की लिपस्टिक्स ही सूट करते थे पहले, पर ये अच्छा निकला, इसे मुझे अच्छा लगा। तो गाइस इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 3 चीज़ें, वो है ये देखिए, ये है मिस क्लेयर का ग्लिमर स्टिक्स फॉर आईज पर्ल वाइट। ये है पर्ल वाइट E14। देखिए कुछ इस तरह का आता है ये। इसको यूज़ करने के लिए आपको पेंसिल कटर लगेंगे, और ये बहुत अच्छा निकला। मैंने सोचा था कैसा होगा पता नहीं, बिल्कुल चीप प्रोडक्ट है, मतलब अच्छा है। 65 रुपीज़ है ओनली, रिजनेबल प्राइस में है। इसका टेक्सचर क्रीमी है और स्मज भी नहीं करता। मैंने इसे कल अप्लाई किया था, अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए ये है मिस क्लेयर का वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल, जिसका कलर है कॉफ़ी ब्राउन नंबर 6। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाटरप्रूफ भी है, ये देखिए कॉफ़ी ब्राउन कलर का है। मैंने आईब्रो पे अप्लाई भी किया है, इससे मेरे आईब्रो में बहुत अच्छी तरह से मैच हो गया है देखिए। और ये मुझे अच्छा लगा। इसका प्राइस है 75 रुपीज़ ओनली। और एक और चीज़ है मिस क्लेयर की तरफ से, वो है मिस क्लेयर का ग्लिमर स्टिक्स फॉर लिप्स, जो कि मैंने ख़रीदा था क्योंकि मेरे एक मरून लिप लाइनर का बहुत ज़रूरत था। इसका प्राइस है 65 रुपीज़ ओनली। ये इस तरह का आता है सेम, देखिए
इन सब के लिए आपको पेंसिल कटर लगेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये है वेट इन वाइल्ड का ब्लेंडिंग ब्रश। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए कुछ इस तरह का दिखता है ये, देखिए ब्लेंडिंग ब्रश। ये बहुत ही अच्छा है, खूब बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है आई शेडो। मैंने कल अप्लाई करके देखी, आज भी अप्लाई करके देखी, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। और थोड़ा सा लेते ही अच्छी तरह से ब्लेंड करना हो जाता है, ये मुझे अच्छा लगा। इसका प्राइस है 145 ओनली, पर मैंने इसे ऑफर में शायद 123 रुपीज़ में लिया था। इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी आपको वो है एली इटिंग का नेल पॉलिश। ये देखिए इसका कलर है 25, पर ये मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा गाइस, क्योंकि इसका कलर जो नायका में दिखा रहा था वो ग्लिटर्स टाइप का, जो ग्लिटर्स होता है जो शाइनी फिनिश देता है, वैसे टाइप का एक मरून था, मरून और थोड़ा वायलेट टाइप का ऐसा कलर दिखाया था, पर ये नॉर्मल सा मरून है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका फिनिश भी थोड़ा सा भी ग्लिटरी नहीं है, नॉर्मल नेल पॉलिश है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये रहा, मैंने ये सभी ख़रीदा था और कुछ नहीं है गाइस। मुझे लगा कि मैं आप सबको इस सब दिखा के हेल्प कर सकती हूँ। सो इफ़ यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो प्लीज़ थम्स अप, एंड आई हैव नो एनी सब्सक्राइबर्स गाइस, आई हैव ज़ीरो सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके? एंड कमेंट में बताना मेरा फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा, ओके? और नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगी मेकअप की वीडियो बनाने में, जो आपको मैं मेकअप करके दिखाऊँगी। अगर आप सब लोगों को मेरा आज का लुक पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय।